वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम आई थर्टी एट इन टेंजिबल का एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम आटम टू थाउजेंड एटीन और इसका टाइटल है एप्पल लिमिटेड तो एप्पल लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देंडेड थर्टी जून टू थाउजेंड एटीन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू द ग्रुप इंटेंजिबल एसेट एज ऑन थर्टी जून टू अमाउंट ऑफ एल लाइसेंस रिवेल्यू होगा तो रिवेल सरप्लस है तो इसका मतलब उस पर रिवेलशन मॉडल अपलाई हो रहा है ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन ए एल एक्वाइर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड फॉर रुपीज वन नाइन फाइव जीरो मिलियन तो इसमें बिजनेस कंबिनेशन है कि एक और बिजनेस कर लिया है

तब तक उससे पहले तक का उन्होंने इसको रेकग्नाइज नहीं किया on this date, और के टाइम पर फेयर वैल्यू ही रिकॉर्ड की जाएगी तो फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजीशन ही कॉस्ट होगी तो हम इस पर इसको रिक्नाइज करेंगे ऑन एक्विजीशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ एम एस कस्टमर लिस्ट वॉज अड एट रुपीज ट्वेंटी मिलियन तो ये भी जो फेयर वैल्यू क्योंकि इसकी अवेलेबल है तो इसको भी ट्वेंटी मिलियन पर रेकग्नाइज करेंगे और इसके अलावा अगर डिफरेंस होगा तो उसको फिर गुडविल के तौर पर रेकग्नाइज कर लिया जाएगा नेक्स्ट एम एल इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन टिल ए बी सज लॉन्चिंग डेट तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था उसके ऊपर फर्दर कुछ कॉस्ट उन्होंने लगाई है और उसके बाद इवन जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च भी हो गई है तो इसकी कॉस्ट को हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी एक्सपेंस बनानी है और कौन सी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं फिर एज ऑन फर्स्ट जुलाई 2017 द फेयर वैल्यू ऑफ एल ओन कस्टमर लिस्ट तो अपनी जो इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट है वह उसकी वैल्यू बेशक आपने असेस लिया है लेकिन आप उसको रेकग्नाइज नहीं कर सकते एज ऑन फर्स्ट जुलाई 2017 थाउजेंड सेवन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट गुड विल टेन ईयर्स मॉडराइजेशन के लिए हम टेन ईयर की लाइफ यूज कर लेंगे ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एम एल सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर रूपीज वन टेन मिलियन तो ये डिस्पोजल रिकॉर्ड हो जाएगा ग्रुप फॉलोज द रिवेलिशन मॉडल फॉर लाइसेंस वेयर एस कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर अदर इंटेंजिबल एसेट तो लाइसेंस के अलावा बाकी सब कॉस्ट मॉडल पर हैं एज ऑन थर्टियथ जून फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस असेस हो गई है थ्री फिफ्टी मिलियन और गुडविल जो है वो इम्पेयर हो गई है ट्वेंटी परसेंट से तो ईयर एंड पर हम रिवेलेशन और गुडविल की इम्पेयरमेंट इनको भी कंसिडर कर लेंगे प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल एसेट ये रिक्वायरमेंट है फॉर इंक्लूजन इन ए एल्स कंसॉलिडेटेड फांस स्टेटमेंट यानी गुडविल वगैरह भी रिकोगनाइज करनी है हमने बिजनेस कम्बिनेशन का इफेक्ट भी लेना है फॉर देंडेड थर्ट जून टू थाउजेंड एटीन इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आई टोटल का कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें जो कॉलम्स बनाने हैं एक तो लाइसेंस है जो ऑलरेडी है फिर नया जो बिजनेस हमने एक्वायर किया उसमें सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कस्टमर लिस्ट आई है हमारे पास और फिर गुडविल भी जो है वो है क्योंकि और यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि गुडविल आएगी क्योंकि गुडविल की इम्पेयरमेंट क्वेश्चन के अंदर बताई गई है सो so, एक हम फॉर्मेट बना लेते हैं सो so, लाइसेंस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था बाकी सारे जो एसेट्स हैं हमने वो बिजनेस कंबिनेशन में एक्वायर किए हैं तो अब हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को वन बाय वन देखेंगे और उसको अपने इस शेड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे सो so, सबसे पहले एज ऑन थर्टियत जून टू थाउजेंड सेवेंटीन रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ एयर लाइसेंस एंड रिलेटेड रिवेल सरप्लसर रुपीज फोर फिफ्टी मिलियन एंड थर्टी मिलियन रिस्पेक्टिवली तो पहले हम लाइसेंस की ओपनिंग वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं रिवेल्यूशन के ऊपर हम तब आएंगे इसको जहन में रखेंगे थर्टी मिलियन के अमाउंट को और जब हम ईयर एंड पर रिवैल्यू करेंगे तब इस थर्टी मिलियन के रिवेल्यूशन सरप्लस को भी डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लाइसेंस की ओपनिंग वैल्यू रिकॉर्ड कर देते हैं बाकी कोई भी एसेट जो है उसकी ओपनिंग वैल्यू नहीं थी इसके बाद हमारे पास जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसमें सॉफ्टवेयर जो है वो हम टू हंड्रेड पर रिकॉर्ड करेंगे नाइन्टी फाइव मिलियन पर हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रिकॉर्ड करना है एक्वायर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है फिर फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा उस कॉस्ट पर नहीं होगा जो कि मैंगो लिमिटेड की लगी है और फेयर वैल्यू जो है हमारे पास कस्टमर लिस्ट की ट्वेंटी मिलियन ये भी गिवन है और इस बेसिस पर जब हम ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है नाइनटीन फिफ्टी की हमने इन्वेस्टमेंट की है तो नाइनटीन फिफ्टी में से जो एसेट एक्वायर किए उनको माइनस करेंगे तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू भी आ जाएगी So, इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं गुडविल so, की कैलकुलेशन करने के लिए फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडेशन हमने वन नाइन फाइव जीरो मिलियन जो है वो पेमेंट की है एसेट जो हमें एक्वायर हुए हैं उसमें सॉफ्टवेयर हैं दो, दोनों मिला के टू हंड्रेड मिलियन के हैं अदर नेट एसेट्स हैं वन फाइव फोर फाइव मिलियन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी हम रेकग्नाइज करेंगे फेयर वैल्यू पे ऑफ नाइन्टी फाइव और कस्टमर लिस्ट को की भी फेयर वैल्यू डिटर्मिन की जा सकती है ट्वेंटी मिलियन गिवन है तो उसको भी रेकग्नाइज करेंगे और इस तरह से जो हमने टोटल नेट एसेट एक्वायर किए हैं वो हैं 1860 के और 1950 और 1860 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी ऑफ 90 अब ये वैल्यूज़ हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि बिज़नेस एक्विजिशन के अंदर हमारे पास 200 का सॉफ्टवेयर आया है 90 की गुडविल आई है 95 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया है और 20 की कस्टमर लिस्ट आई है तो जो बिजनेस एक्विजिशन में हमारे पास एसेट आए थे वो सारे इस इंफॉर्मेशन की बेस पे रिकॉर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है कैम एल इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन टिल ए बी सीज लॉन्चिंग डेट और दैट इज फर्स्ट मई टू थाउजेंड एटीन तो एक तो हमें ये इस बात का ख्याल रखना है कि जो अमोर्टाइजेशन होगी वो मई और जून हमारी टू मंथ्स की बनेगी उसके बाद जो मार्केट रिसर्च है इसको हम एक्सपेंस करेंगे प्रोडक्ट डिजाइन जो है ये डेवलपमेंट स्टेज का हिस्सा है पायलट प्लांट भी जो कमर्शियल प्रोडक्शन के अलावा है वो भी डेवलपमेंट के लिए है इसके बाद रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन ये भी डेवलपमेंट रिलेटेड है ट्रेनिंग को हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन डेवलपमेंट का पार्ट है ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट है ये प्रॉफिट और लॉस में रिकोगनाइज होगी तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम डेवलपमेंट की कितनी कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए उसको डिटरमिन कर लेते हैं सो मार्केट रिसर्च हम इंक्लूड नहीं करेंगे प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बननी चाहिए प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड है कैपिटलाइज होगा पायलट प्लांट भी डेवलपमेंट है कैपिटलाइज होगा रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट भी कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले हो रहा है तो डेवलपमेंट के तौर पर कैपिटलाइज होगा ट्रेनिंग कॉस्ट स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है कैपिटलाइज नहीं कर सकते एक्सपेंस बनाएंगे टेस्टिंग की कॉस्ट डेवलपमेंट का एक ज़रूरी हिस्सा होती है और कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले ही हो रही है तो ये भी कैपिटलाइज होगी और प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट जो है दैट इज बेसिकली रूटीन एक्सपेंस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो उसको भी प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करेंगे कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो जो अमाउंट कैपिटलाइज होनी चाहिए उनकी बेस पर हमारे पास टोटल आ जाता है सेवेंटी का ये हम डेवलपमेंट के तौर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे सेवेंटी तो नाइनटी फाइव का हमने एक्वायर किया था सेवनटी की हमारी फर्दर कॉस्ट कैपिटलाइज हो गई है नेक्स्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें ऑन फर्स्ट जुलाई सेवनटीन द फेयर वैल्यू ऑफ एल ओन कस्टमर लिस्ट पर असेस्टेड रुपीज थर्टी फाइव मिलियन ये हम रिकोगनाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड है एज ऑन फर्स्ट जुलाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट एक्सेप्ट गुडविल वाज टेन ईयर तो गुडविल की तो वैसे भी लाइफ नहीं होती इंडेफिनेटली होती है उसको इंपेयरमेंट टेस्ट किया जाता है बाकी एसेट्स के लिए लाइफ टेन ईयर दी है तो इससे हम अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे और एक सॉफ्टवेयर थर्टी फर्स्ट मार्च को यानी नाइन मंथ गुजरने के बाद सेल कर दिया गया फॉर वन टेन मिलियन तो उसकी कॉस्ट हंड्रेड मिलियन है वन टेन का सेल कर दिया लेकिन तब तक नाइन मंथ्स की कुछ अमोर्टाइजेशन भी हो चुकी होगी तो अब हम इस इंफॉर्मेशन की बेस पर एक तो अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करेंगे और फिर डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले हम अमोर्टाइजेशन की तरफ आते हैं तो लाइसेंस की अमोर्टाइजेशन फोर मिलियन का लाइसेंस है और टेन ईयर्स की लाइफ की बेस पर इसकी अमोर्टाइजेशन बनती है फोर्टी उसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो सॉफ्टवेयर 200 के हैं लेकिन दोनों सॉफ्टवेयर को सेपरेट कर लेना चाहिए क्योंकि एक सॉफ्टवेयर हमने पूरा साल यूज़ किया है और एक सॉफ्टवेयर नाइन मंथ के बाद सेल कर दिए तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो है उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन टेन ईयर्स की बेस पर आज करेंगे टेन बनेगी दूसरा सॉफ्टवेयर जो हमने नाइन मंथ यूज करने के बाद सेल कर दिया उस पर नाइन मंथ की अमोर्टाइजेशन आएगी दैट इज सेवन पॉइंट फाइव इसके बाद हमारे पास गुडविल की तो अमोर्टाइजेशन नहीं होनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर हम टोटल करते हैं तो 95 और 70 ये टोटल बन जाएगा वन सिक्सटी फाइव तो वन सिक्सटी फाइव टेन ईयर्स और मई और जून क्योंकि जो प्रोडक्ट कंप्लीट हुई है हमारी और लॉन्च हो रही है वो फर्स्ट मे को हो रही है मई और जून टू मंथ्स की अमोरटाइजेशन इसकी चार्ज करेंगे दैट इज़ टू पॉइंट सेवन फाइव और कस्टमर लिस्ट ट्वेंटी की है जो हमारी एकवायर्ड uh, है जो इंटरनली जनरेटेड है उसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया एक्वायर्ड लिस्ट पर टेन ईयर्स की बेस पर अमोटाइजेशन बनती है टू की तो ये सारी एमोटाइजेशन अब हम नोट कर देंगे फोर्टी फाइव सेवनटीन पॉइंट फाइव दोनों मिलाकर 2.75 एंड 2 अब डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है हमने तो जो सॉफ्टवेयर हमने डिस्पोजल किया है एक सॉफ्टवेयर हमने डिस्पोज किया है तो उसकी कॉस्ट 100 है और उससे रिलेटेड ये उसकी डेप्रिसिएशन है 7.5 तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे इसके बाद हम आगे चलते हैं तो फर्दर इन्फार्मेशन हमारे पास ये है कि लाइसेंस के लिए रिवेल्यूशन मॉडल है और बाकी तमाम एसेट के लिए कॉस्ट मॉडल है और लाइसेंस की रिवेल्यूशन थ्री फिफ्टी मिलियन पर हुई है वैल्यू डिक्लाइन नज़र आ रहा है पहले फोर फिफ्टी और फिर अमोरटाइज होकर भी इससे ज़्यादा ही है और गुडविल ट्वेंटी परसेंट से इम्पेयर हुई है तो इस इंफॉर्मेशन को अब हम इनकॉर्परेट करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवेल्यूशन लॉस कितना हुआ है फेयर वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है थ्री फिफ्टी की जबकि एसेट की कैरिंग अमाउंट के लिए फोर फिफ्टी की कॉस्ट और फोर्टी फाइव की है विच मीन्स के कैरिंग अमाउंट होगी फोर जीरो फाइव एंड इट शोज के हमारे पास फिफ्टी फाइव से रिवेल्यूशन लॉस आ जाता है अब ये रिवेल्यूशन लॉस जो है जब हमने रिवेल्यूशन को रिकॉर्ड करना होता है तो एक तो एक्यूमलेटेड अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन कैंसिल होगी फोर्टी फाइव से और एसेट भी इतने से ही क्रेडिट होगा फिर हम लॉस रिकॉर्ड करेंगे जिससे एसेट मजीद कम हो जाएगा 55 से अब अगर हम रिवेल्यूशन सरप्लस को भी साथ के साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा रिवेल्यूशन सरप्लस क्वेश्चन में मैं बताया हुआ था कि 30 मिलियन है इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन अगर हम उसमें से लेस कर देते हैं थर्टी मिलियन ओवर टेन ईयर जिस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज की थी अमोर्टाइजेशन चार्ज की थी वैसे इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन होगी तो थ्री की अमोर्टाइजेशन के बाद रिवेल्यूशन सरप्लस का बैलेंस होगा ट्वेंटी अब इसके अगर लॉस की एलोकेशन को भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो रिवेल्यूशन सरप्लस में जितना बैलेंस होता है उतनी अमाउंट तो अदर कंप्री इनकम में चार्ज होती है ट्वेंटी सेवन की टोटल लॉस हमारा फिफ्टी फाइव है तो बाकी जो ट्वेंटी एट का लॉस होगा वो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होगा और इस तरह टोटल फिफ्टी फाइव का लॉस हम रिकॉर्ड कर देंगे इसके बाद हम बात करते हैं गुडविल की इम्पेयरमेंट की तो गुडविल की वैल्यू नाइन्टी मिलियन है और वो ट्वेंटी परसेंट से इम्पेयर हुई है तो 20% परसेंट जब इसकी इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ 18 मिलियन और 18 मिलियन की हम इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर देंगे वंस वी रिकॉर्ड ऑल दिस तो हमारा जो क्वेश्चन का बेसिक डाटा था वो हम सारा इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं अब हमें सिंपली टोटल्स करने हैं तो थ्री फिफ्टी वन हंड्रेड नाइन्टी वन सिक्सटी फाइव ट्वेंटी लाइसेंस की अक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होकर ज़ीरो हो चुकी है टेन एटीन दिस इज इम्पेयरमेंट क्योंकि दिस इज एक्मिलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट, टू पॉइंट सेवन फाइव एंड टू और फिर हम नेट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं थ्री फिफ्टी नाइन्टी सेवेंटी टू वन सिक्सटी टू पॉइंट टू फाइव एंड एटीन अच्छा अब अगर हम लास्ट ईयर के कम्पेरेटिव uh, बनाने के लिए बात करते हैं तो लास्ट ईयर में हमारे पास सिर्फ एक ही एसेट था लाइसेंस और उसकी भी कोई इक्यूमलेटेड अमोर्टाइजेशन एट दैट टाइम हमारे पास नहीं थी तो जस्ट ये फोर फिफ्टी शो होगा और बाकी सारे एसेट्स जो हैं वो हमारे पास जीरो के रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि बाकी सारे एसेट तो हमने ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस कम्बिनेशन के अंदर एक्वायर किए हैं दैट्स ऑल फॉर हैव अ गुड डे